हेलो दगड़ियों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आप सबों को मेरा आज का नए ब्लॉग में। तो देख सकते हैं जो कि अभी ब्लॉग है शुरुआत होनी चाहिए दिन हम बटी की, और अभी घर छुट गए छो एक यू हमारे गांव में ची हम महिंदर भेजोर घर समणी जो कि ना चिन्ह मतलब कुरल खोला साइड में जो छो लोकेशन वहाँ की वीडियो है तो वहाँ मैं घर छुट गए छो। ये वजह से मैं आज यही घर में बटी ब्लॉग शुरू करूँ छो, और थोड़ा अच्छा नहीं लगू कि गाँव का सा ब्लॉग मेरी वीडियो देख दिन जो दिल्ली में बिछे और घर में बिछे तो इला कि दिल्ली वालों तय मैं अब उनका घर दिखाना था जो घर में रहना नहीं ना, और जो गाँव में छन तो वो तो खैर घर दिखना है अपना। तो ये वजह से यू घर छुट गए छो कि थोड़ा एक बटी में इना दूसरे रास्ता निकल गए छो वहाँ का वजह से यू घर छुट गए छो। पर क्यों बानी चे देख सकते हैं आप लोग, और एक बटी चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें एक बार जो नहीं बोलूँ, और हमारे गाँव को नौ चल रहे दो गाँव जो कि पौड़ी में आऊँ प्रॉपर पौड़ी है, पौड़ी से लगभग 15 किलोमीटर दूर से ज़्यादा भी दूर नीचे, और घोड़ी खाल बटी हमारे गाँव की सड़क भी आँधी। तो वह हम बटी अगर कोई आलू भी हमारे गाँव में कभी तो घोड़ी खाल बटी सिद्धाया राइट साइड में तो ना बटी ना वह हम दूसरी सड़क से ना वह हम बटी पता चला दो खैर रहे गाँव की सड़क को आज। तो अभी देखो ना मैं आप लोगों को एक बार गाँव को नजर आवा तो दिनों टाइम हो तो अभी थोड़ा धुंध धुंध भी लगी चे यो ची घर छुट गए छो देख सकते हैं आप लोग, और यो घर हम भी दिल्ली रहने ना बाबी तो लोग भी दिल्ली रहने पर वीडियो तो मेरे सभी दिख दिन लगभग लगभग आज नहीं दिख दिलाओ वो भी देख लिया और रहो गाँव का तो मेरे ख्याल से सब इच्छे तो देख सकते हैं घर भी काफ़ी अच्छे अच्छे, और एक हम महिंदर भेजर हूँ घर भी दिखा दो एक बार फिर से। और अब चलना एक हम बटी आज दिखा लूँ बिचला खोल और मेला खोल पांडा खोल आल अगले ब्लॉग में। तो पांडा खोल इना चे पर अभी बिचला खोल और मेला खोल रहा लूँ ये ब्लॉग में, तो बनी रहे चैनल में और सब्सक्राइब जरूर कर दिया। और दगड़ों ये देख सकता हूँ यो जीरो लगी हूँ और भी पहली बार देखूँ अपनी जिंदगी में वन तो मेरे मतलब वहाँ मैं दिखूँ खैर पर पैकेटों में, पर आज मैं धरातल में भी देख रही देख सकता हूँ जीरो सच में जीरो ना, और देख सकता हूँ सगड़ हम भुज लगी चे, और एक हम भैजी को घर कम सिंह रावत और हम बगल में दलजीत सिंह रावत भैजी घर और देख सकता और उन घर से तो थोड़ा उन अगर मुलाकात करो ला तो चलना भी अगने अगने, और थोड़ा भाभी जी से मतलब गांव का अच्छा ही तो खैर सब लोग बसाना है ना, तो थोड़ा देख सकता हूँ तुम्हारा घर है सर रास्ता है हाल से जिसने बहुत बेकार से ना, सेम हमारे घर समझ भी नहीं चे लगभग आधा गाँव में रास्ता हाल ही नहीं छिन तो मतलब यहाँ का कुछ बुन चल तो मतलब काम बोले मतलब साल कद प्रधान बदलेगी नहीं जो की मतलब प्रधान बदलेगी कोई बनो तैयार नहीं देख सकते आप लोग जो जी की रास्तों का हाल ही छिन्न देख सकते मतलब जैन जन्म बटी लगे होगी ढूंगा तो लगी होला तब बटी चेंज नहीं होने और सेम हमारे ग्यारह भी इन रास्ता से ते देख से क्या कारण प्रधान बनाने नहीं लगे आने कोई हर प्रधान ही होना छे अपना अपना घर सामने बना ना बनाना ना हमार नहीं दिखना देख से हम सगड़ा भी छनु का सगड़ों नुकसान अलग हो जाऊं ना मैं ना हां गोरु नहीं धामा बड़ा सासी बड़ा दिंदा हां पर सरकार बना लोग तो सरकारी लोकल तो बनाना हां वो विषय सही बात गोराना ना तो भी गोर भी गों का जंदना में कौन से एक घर यू बिचे यू अनु भेजोरों को स्वरों को घर से उनको नाम में था पता नहीं चे, लेकिन देख सकते हैं काफ़ी अच्छा अच्छा घर बनया था हमारे गाँव में पर रास्तों की हालत जो छ बहुत बेकार छ अरे हम 100 रुपये भी लगी तो एक हम खैर ठीक से लगी पर क्या कह के हम 100 रुपये भी क्या कह के अपना घर में लगे पर्सनल अपना चौका जना उनका मुख भर गया तो वो भी दिखोला खैर अभी चलना अगने अगने भैजी लगे देख सकते आप लोग हल्दी ना ये हल्दी कटन में लगे और घरे हल्दी या घरे हल्दी तो भैजी कुछ बुन चला देख सकता कदा हल्दी हुई भैजी कदा किलो होली करीब ये देख सदा इना भी छनियो करा क्या लोग यहां जाऊ का आप देखिन भी नहीं और तब लोग काटे काटी सुकान थे अरे हमार को तो बात टूक न जे कुछ नहीं जे ए कदा हल्दी में बोड़िया भी कदा का हुई वाली हल्दी कदा 10 किलो धनी वाला मतलब अपने सगड़ा में नहीं हूं हां देख सदा आप लोग तो हमारा गांव में नहीं वो भी छने लोग कना छने पुंगड़ा सगड़ा कुछ नहीं पर यहाँ में एक चीज चीज है बंदर ने खांदो ने और सुंगुर खैर सगड़ों में ऐ नहीं सकते जगह जल्दी तो ये भूत सकते लोग घेरा माँ पुंगड़ों में जो बांझा पुंगड़ा भी उतर भूत सकते यहाँ माँ मतलब और कह रहा हूँ देखो अदरक भी भूत सकते जो कि वे सकते जहाँ में ज़्यादा मेहनत भी नहीं। और अब पहुँच गया हम साहिल भाई की हवेली में देख सकते हैं साहिल भाई को घर और एक हम दादी जी छिन साहिल भाई तो खैर दिल्ली छिन गया और दादी जी छिन तो दादी जी दगड़ी थोड़ा मुलाकात करो ला आजकल यूँ शिफ्ट हो गया ना मेला उन्होंने उना तुम मकान बनो के बाद बताओ तुम जन तुम मतलब मकान बनाना था तो तुम भैर भी बना सकता तुम गाँव में अकेले बना मकान मतलब कारण जीती हुए जीती हुए मेरे नादी मिर्जा हमारी मिर्जी नहीं जाए अच्छा नहीं बोली आने में पड़ा था ना हाँ
मतलब तो घर में घर होना जरूरी मतलब है ना जरूरी हाँ यू बिहार भी बना है लॉकडाउन में बनी ना हाँ देख सीधा घर भी लॉकडाउन में बनी तो थोड़ा इन आज मुझे देखी हुई चौबरी की घर में घर होना जरूरी तुम भी जो घर में था वो घर में मतलब थोड़ा वन करना था उधर नई तरीके से हाँ और अब पहुंच गया हम भगवान चीजा घर में जो कि हमारा गाँव का भगवान सिंह रावत उनको नाम से और देख सकते हैं उनको घर और बैठा है निंदरी में तो थोड़ा आला हुआ भी थोड़ा बचा बता ला गाँव का बारे में जरा सी और अभी जो चाचा जी थोड़ा मतलब जेंट्स आदि में चले तो थोड़ा गाँव का विकास का बारे में बताना चला कुछ बुन चला कि मतलब हमारे गाँव का विकास जो रस्ता रोस्ता थे यहाँ से खत्म वहाँ का बारे में कुछ बुन चला तुम प्रधान साहब में तो खैर अभी देखो सालों बड़ी प्रधान बना था रास्ता तो खराब हुई सब रास्ता सब खराब ही रेलिंग भी नहीं कुछ उपाय कर पड़ो लोग उपाय के मतलब के करे सकदु अभी देखो सालों बड़ी प्रधान बने छन पर कोई कुछ नहीं कनु छे हम लोग नहीं प्रधान लोग का पीछे नहीं अपना मर्जी से जक नाम करनी ले जाए हां तो हम इनसे की अपना सीमित चांद यादगार ठीक छ मैं पर सही चलो जो मरो ना अच्छा थोड़ा मतलब बुन पड़ो लोगों का बारे में कुछ मतलब कन पड़ो लो जी प्रधान लोग जो ने सरपंच लोग जो ने कन जुड़वा ना हां हम के कर सकता हम तो अपने घर से सीमित चांद हां तो थोड़ा आवाज उठाना पड़ लगा करो तो जरा मीटिंग बंद हुई ना हमारी आवाज उठानी पड़ रही बिल्कुल है ना तो बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारो अभी ये इन्होंने पा रखा एक पावा तो दारू चाहिए इसके लिए शाम के लिए शाम को एक पावा दारू पीता है अब देख लो आप दे सकते हो अपने आप दारू मिले ना मिले इसके लिए एक पावा लेना लेना पड़ेगा अरे देख सीधा चाय के हिसाब से पीणु बल दारू पीणु सचमा बल्ले तो पर देख सकता चाय एकदम आरिम जन पीणु छो और काफी सिकाऊ मतलब अच्छा चौबीस है कि देख सीधा आप लोग तौल भी नहीं खचाण रहनु जमाना एकदम पीणु मस्त फर्स्ट क्लास आप पहुंच गए हम देख सीधा गणेश भाई जो की परसों रखा हम दुकान बीच और जो सबसे मत्थी मेला बाजार हम दुकान च मतलब भोजनालय और देख सकते उनको घर से और उनकी माता जी से नहीं तो उनकी माता जी से थोड़ा हालचाल पूछ ला और यूँ को घर से देख सीधा तो उनकी दुकान बीच घर में तो चलना भी दुकान में बैठी कर वीडियो बनोला जो हमकी बुढ़ी की दुकान में आ गया और अपनों नाम और पता बसा ली तो बुढ़ी थोड़ा अपन नाम बसा ली जरा लोग जन देखना से ना बाहर देश बटी की विदेश बटी की जान दौलत तेरा लोगों का बहरा भी चढ़ दौरा तो थोड़ा नाम भी बचा दिया एक बार बेबी है मेरे मेरे लिए कदा उम्र तेरी मेरी उम्र से 80 अब देख सीधा जन तुम्हारे घर में दुकान मतलब ठीक चल रही एकदम मस्त दुकान कदा साल लेकिन दुकान दे 40 साल हाँ 40 साल और तो पहल पहल मतलब कन कन मुसीबत मतलब उठे तुम दुकान चलाने को मतलब अरे बहुत मुसीबत उठे ना मन अच्छा पहल ये बिल्कुल बुर्स धैरी तो ये मास बुर्स धैरी अच्छा काफी बड़ी दुकान हुई बिल्कुल सही बात अब इनकी हम पहली बड़ी दुकान दुकान है तब वो दुकान अच्छा मतलब जन दुकान है आर आप भैजी भी मतलब पहले बुआड़ा जी था दुकान में आर आप भैजी से नहीं तो देख सुना क्या हिसाब से आज मतलब देश नहीं गया जन भैजी में बिल्कुल ना तो काफी अच्छी बात है कि गांव में मतलब रोजगार से मतलब एक हिसाब से आप रोजगार हाँ तो और कुछ बसान से लोगों तो जन मतलब ठीक है जी आप लोग गुजर बस ठीक है उन्होंने और हमारी बहू भी ठीक है और हमारे लड़का भी ठीक है अपने नाती नतना ठीक है सब तुम ग्यारह में रहना है ना और बहुत बहुत धन्यवाद बुड्ढी को और देख सकता काफी अच्छा मैसेज दिया जय सा दुकान बीच दुकान लादी में हर कोई नहीं बोल दू की तुम दुकान बड़ी चीज नहीं ले जा रहे पर इन जी की बेकार तो जरूरी है पर इन जी की उन मतलब काफी अच्छा संदेश दिया कि घर चीज खावा ना कि दुकान है
पर दुकाने खा लिमिट में खा पर नीच की खाएगा पहले तो नहीं खावा गहरा की खाजे तो सब ना बुढ़ी हाँ तो बहुत बहुत धन्यवाद तेरे और काफी अच्छा संदेश जाती ने और यो हमारे सोनू भाई और संतन बाड़ा जी को घर देख सकते आप लोग और एक हम तो अभी घर हम छह नहीं सुनू तो एक हम मटी चलना तो पिछली वीडियो में मिल गए छह जाओ हम तक कुछ और ये हमारे एक गवाही और ये हमारे गोली भाई का घर है ये अभिषेक रावत जिनको लोग जानते होंगे और ये उनकी माता जी है तो चलते हैं अभी आपसे भी आगे गग्गा भाई कुछ बोलना चाहोगे यार और यो चमर गुन्ना भाई जी को घर जो पुराना घर चार ना यो घर उन सड़क में बना है जो पार से शादी हुई है और ये हमारा जतिन भाई का घर और देख सकते हैं आप लोग भी काफ़ी अच्छा अच्छा घर से और अब चल रहा हम एक हम चाची जी का घर हम और चाची जी थोड़ा भाषण दिया जरा सी थोड़ा कुछ बता ली गाँव के बारे में और एक हम दावी देख सकते हैं वीडियो कॉल में हमारे सब्सक्राइबर भी मिल गई पर दिखा रहा नहीं थोड़ा ढंग से थोड़ा उजला में देखो तुम दे आप लोगों देखी और तुम दावी निकालो वीडियो में देख सकते अक्का को बक्का को बटी जा तुम थोड़ा अपन नो पता बता जाए एक बार जरा और देख से दाई हमारे सब्सक्राइबर से ना कब बटी दिखा तुम हमारी वीडियो यार राम ले बटी दिख दो मतलब बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारे भी और अब पहुंच गया पूजा चाची और घर हम और देख से दाँ पूजा चाची बता ली कुछ देख से दाऊँ घर और लेंटरदार घर से तो अभी थोड़ा फोन हुई तो बता लो रुक जाए एक मिनट अब जो चाची जी और उनकी लड़की छे और ये तो पड़ोस मगे छे छोटी नोनी जो अभी मैंने जख हल्दी कुटियानी हल्दी काटना चाहूँ कि नोनी छू और थोड़ा कुछ बताना चाहिए चाची जी मतलब गाँव में जन मतलब पहले तो उनकी लड़की बुन चाहनी जो तैयार हुई छे और वो मेरी इंस्टाग्राम वाली रील बनाने वाली बेचो अभी बना रील तो कुछ बुन चली हेलो दोस्तों आप सभी को मेरा प्यार मिला नमस्ते मैं लकी भैया के साथ वीडियो बना रही हूँ आज आप सब लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना मेरी मम्मी बोलेगी थोड़ा अपना अपना नाम है बताओ एक बार नाम भी पता मेरा नाम पाया रावत है मैं खड़ू में पढ़ती हूँ अच्छा और अभी जो चाची जी थोड़ा पढ़ी लिखी भी छे और समझदार भी छे मतलब गाँव में एक जो ची की और मतलब जो छे थोड़ा नई पीढ़ी के हिसाब से जो बारी आजकल जो छे घर में रहनी छे और वो जो छे घर में रहने अभी कदा साल में ब्याह यहाँ चाची हम 12-13 साल हो गई और आजकल जन जुबारी घर में रहनी नहीं उन्हें कुछ संदेश देना चाहना मतलब की क्या बुन चाहना उन्हें की क्या संदेश देना अब आजकल तो सभी बुन चाहना चाहन की हम भी अपने बच्चा ते पढ़ा ला अच्छी शिक्षा दे ला हाँ। है ना और हमारे हमारे ससुरु रहनी देनी तो हम भी चाहना चाह की हमारे बच्चा आगने बढ़ो न अच्छा अच्छी पढ़ाई करे अच्छा अच्छा कोर्स कर ला है जब हम आगने अच्छे जब छुट्टे बैठे होंगे नींव हम अच्छी मजबूत रख ला तब आगने कर लाओ पर देखो तो हमारे ससुरु हम ते रानी नहीं दे हम चल भी गए उन बोली घर है जा तब क्या करना अब हम ते अब हम बहुत मजबूरी अब हम जा भी नहीं सकता अब इन की अब हमारे गहरी माँ वो हो गया अच्छा। अब हम जा भी नहीं सकता पर हम आज कल मतलब जो नई बेट बार वो उनकी सोच ठीक थी कि हम अपने बच्चों ते पढ़ाओ लिखाओ तो फिर भी अब जन लोग देश चल गए दिल्ली दिल्ली बम्बई देहरादून पौड़ी माँ भी स्कूल छन हिसाब से ठीक ही छन पौड़ी माँ पौड़ी माँ पढ़ा सकती अच्छी हाँ पौड़ी में भी जा सकता ने पौड़ी में मतलब हूं क्या जन देहरादून दिल्ली चली बस गई नहीं देहरादून दिल्ली अब भी कुछ अलग वो होली समझ होली कुछ सोच होली कि हमारा बच्चा भी देहरादून अच्छी पढ़े अच्छी वो करन भैर जाएगी अच्छो नॉलेज आओ थोड़ा जो की गांव का विकास में देख सकता हूँ जन हमारे गांव में तुम्हारे भी घर अच्छे छे सब का घर अच्छे छे मतलब स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड घर बना छे रास्ता देख रास्तों का हाल छो मतलब क्या बुन चाहना तुम मतलब जब साल तेरे ब्याह साल बड़ी तीन कुछ रास्ता अच्छा देखी बदली देखी आज जब बेटी हाँ मैं शादी हुए 12-13 साल हुई मैं शादी हुई अभी तब बेटी रास्ता जन्ने के तन अभी मतलब कुछ विकास नहीं हुआ है मतलब रास्ता में कुछ नहीं हुआ रोड सड़क है पर रास्ता ठीक नहीं सड़क भी आई हाँ सड़क भी अभी आई 2-3 साल लेकिन सड़क आई प्रधान हितमान जी पर जो प्रधान रास्ता बने सऊदी प्रधान जरूर बाकी तो और मतलब गाँव में कुछ चीज है जरूरत भी नहीं चे पानी भी छही जाएगी हिसाब से अरे मेन रास्ता छ नहीं खराब जब बस क्या बर्फ बुरखा आने रास्ता कन कची रानन भुरी आई रास्ता में हिट नहीं सकते लोग तो हमने कुछ मतलब सॉल्यूशन क्या सदन जन तो आप लोग कुछ समझ ओले आवे सोच ओले जे हिसाब से हम ये चाहना चाह कि हमर गांव प्रधान रास्ता बनाओ पहले सबसे पहले विकास यहां कोई करो रास्ता बनाओ विकास करो अच्छा ना बाकी क्या बोल हम हां तो मीटिंग वाली जब अगली मीटिंग वाली तो हम जरूर बोले एक बार की रास्ता को पहले ध्यान दियो है ना तो बहुत बहुत धन्यवाद और चलना तब आगे ही बहुत बहुत धन्यवाद लकी भाई को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना मिलते हैं आपको अगली वीडियो में बाय बाय बाय।
और यो देख सदा भी साहिल भाई रूंग दूसरो घर बनो जो अभी 10 दिन बसे जाओ और अभी हम काम शुरू हो गया मलाई से पहले तुण से हवा का बाजे की रिपेयरिंग वाली और एक हम बड़ी देख सदा भी चलो खोलो को नज़ारा और अब पहुँच गया हम इना आकाश भाई अज्जी भाई खो घर हम तो यूँ घर भी देख सदा भी घर हम वाला तो मुलाकात करना एक बार और देख सदा घर भी अभी बने हाल ही माँ एक दुई सालों ने से बने और अज्जी भाई आकाश भाई देख देखो लाभ लोग उनमें लगे ब्लॉग में अभी कुछ दिन पहले ऊँ कोई घर छू और घर में तो अभी कोई इच्छा नहीं ना पिछा जाओ शायद से इन्हें होना चल गई नहीं खी देख सदा चल रहा है खम्बटी भी अग नहीं सचिन भाई का घर हम देख सदा कि दीदी जी छिन्ह घूम और हमारे भी दीदी छिन खेर है इनको वो नीचे थोड़ा कुछ बसान चाली जन आज कल आज मैथ में आई छे तो मतलब मैथ में बहुत मजे ही मजा पर अब सासुर जोड़ते अब बेगा लो मतलब सब मजे ससा में बदल छे मतलब और क्या किन चीज छिन रहल गो के देख सदा कुछ कमी कर रही चाहिए जन तेरे तेरे हिसाब से के कमी रही रहल गो रहल गो कमी कभी छिन बांध रहे हैं बहुत और हम तो परेशान के रहली दिन में बांधर ही बांधर रात में बागे जाणु छी बागे डेर दम 7 बजे चल ना घर बटे भीतर अच्छा और दिन भर हम बांध रहे डेर होते घर में रहता अच्छा हां देख सुना बहर हम आई नहीं सकता तब के करना बांधर बाग ते भगड़ते कोमलो ते कुछ कंचाणु छी बिल्कुल सही बात तो बहुत बहुत धन्यवाद चलना अभी अगने हाँ पहुँच गया मेला खोल और एक हम देख सदा यू हिमानी करो घर और अभी एक हम देख सदा काफ़ी बड़ो घर भी चूँक भी और एक मामा जी भी छिन बैठे हैं और इना अरुण भैजू को घर एक हम अरुण भैजू गौर घर भी देख सदा अरुण भैजू और मेरे दगड़ जुड़िया छिन और उनको घर से उन घर हम तो कोई इच्छा नहीं जाए और इना सचिन भाई को घर तो शुरू मथे वालू घर से और वह हम हमारा बड़ा जो घर भी ठाकुर सिंह रावत बगल मतलब यही घर हम दू जॉइंट छिन और अभी हम अपना खोल में गया और एक हम जो हमारे घर उन्हें भी रिजोला यू छोड़ू चाबी चलना अभी अगने अगने और अभी देख सकते आप लोग पहुंच गया हम अपना छोड़ेदार मेन स्टेशन जो चमर में लखोलो को छोड़ेदार से और नो लंबी छोपे मुँह लखोलो को पर हम थोड़ा केसर है खेती बूते गया अब हमारे गाँव में केसर भी होंदू उस सॉरी बसान भूल गया पर अभी सीजन नहीं केसरों को तो इलाके बूती नहीं छोड़ता तब ध्यान में भी नहीं छो तो वह हम केसर है खेती बूते गए और एक हम जो छोड़ेदार हमारे पप्पी भाई को गह रहे तो मतलब शुरू का ही ब्लॉग चले गए छजा दिन बटी मेरे गाँव की सीरीज शुरू कह रही वे दिन बटी बुना छाऊ कि बल मेरे घर कब दिखाण मेरे घर कब दिखाण आज भी तेरे घर में पहुँच गया पप्पी भाई को घर देख सीधा खैर दिल्ली में अच्छी दिल्ली बटी दिखना चाहूँ फुल सपोर्ट रहा और इना सुमन सिंह को घर चाहिए मतलब ये घर जो है दुई परिवारों को अंत सारा भारी छू मतलब एक हिसाब से भाई छे तो सारा भारी हो और ये दुई परिवारों घर से सुमन सिंह और ये परविंदर सिंह रावत जी को घर इना चे और इना सुमन सिंह भाई जी घर से देख सदा काफ़ी अच्छे घर से निमदारीदार एकदम मस्त पुराना वो मॉडल बोलो खैर अब तो चादर लगी नहीं अब पुराना मॉडल वाला घर हमारा छिन जो तिवरी छज डंडेली वाला बोल दी तो वहाँ का बारह में थोड़ा चलना भी अगना घर हम अपना और मामा जी भी छिन तो बनी रहे ब्लॉग में चैनल सब्सक्राइब जरूर करें तो चलना अगने और अभी पहुँच गया हम अपना घर हम और अंत मेरे अपने घर आप लोगों को एक बार पहले दिखाई छाँच तो आज मैं नहीं बोलूँ आज मामा जी बोल रहा तो मामा जी थोड़ा बता हाँ आज हम पूरे गाँव की भ्रमण करके अब ऊपर को खाओ जी मैला खोल अब जो हमारे ये वीडियो बना रहे हैं अब जो सब कुछ हमारा जो यहाँ गांव की नई ताजी पुरानी सब खबरें देते हैं उनके घर पे आ गया है और बहुत अच्छा है और इस लड़के ने बहुत मेहनत करी है आप हमारे साथ मेहनत बना के रखें सब्सक्राइब करके और बाकी आगे लाइक कर देना और ये बकरी है छोटे छोटे ये इनके बच्चे और ये बैल है ये हाँ तो हल लग रहा है पास और बैलों की चोरी कहीं है नहीं इन्हीं के घर में इन्हीं के ये सब कुछ है और अपना रोजगार चला रहे हैं बिल्कुल टनाटन बिल्कुल कोई किसी गांव वालों को भी कुछ मतलब ये नहीं परेशानी नहीं होती है अगर किसी ने बोला भाई हमारा हल लगा दो तो वो लगा देते हैं तो इनको सुविधा बहुत है यहाँ पे जिसके बैल है उनके पास सभी जाते हैं पर सुविधा है तभी जाते हैं नहीं तो सुविधा नहीं है तो कुछ भी नहीं है बिल्कुल और आप लोग भी हमारा सहयोग करें और अपने खेत को चलाएं और खूब बोएं खाएं और मैस करें बिल्कुल है ना धान खाएं आप जन इन गहरा भी तकी लिंडरदार घर जैसा भी और आप देख सकते हैं आप छज्जा वाला घर आ गया तो वहां हमारा कुछ हां आप छज्जा वाला पहले घर छा पहले बने हां तो पहले बहुत सुविधा था मतलब छज्जा भी
एक पत्थर कम से कम आपके लोग चार आदमी लाएंगे और पहले का एक आदमी लगा रखा है ये पत्थर। अच्छा, पहले के बहुत बड़े पत्थर, इसके ऊपर भी देखोगे एक पत्थर हम उठा नहीं सकते, इतने बड़े बड़े पत्थर है और बहुत सुविधा थी, बहुत इसके नीचे जो है आ भाव और सांस लेने में सुविधा होती थी। आप सिलेंडर वाले बनाने लगे, चतर लग रहे हैं और फिर अपना सुविधा देख रहे हैं, जो जैसे चला है वैसे बनाए। बाकी तो पहले के घर तो घर ही थे और पहले इसी में गुजारा होता था, है ना। और गुजारा क्या होता था, सब कुछ सो भी होती थी इसकी, तिबरी के तिबरी बोलते थे, तिबरी के खम्भे हैं ये, ये देखो। अब आजकल ये मिलने रही है, आप तो लोहे के गाँट रहे चले, उसमें खड़ा कर दिया, मकान बन गया, चादर ठोक दी और सब कुछ फेंक फोड़ कर दिया। अब पर फिर भी आप लोगों को जो है सहयोग करके अपना मकान बना रहे हैं, जैसे बना रहे हैं धरोहर अपनी चलती है बिल्कुल। और आओ जाओ अपना ऐश करो, जिंदगी के बाकी क्या है। और एक हम एक घर हॉर्च तिबरी सेम दैट हमारे घर जन देख सकते हैं, जन यू हमार घर वनी यू बीच सेम और यू च गोप बैजी को घर। और हम तो अभी उनका घर हम भी मतलब घरम रंजन भी देश रंजन देख सकते हैं आप लोग। और एक हम चाचा जी से गाँव तपना देने के हम अभी ठंडी टाइम गया ही नीचे। और यू च हमारे सोन चाचा को घर और बोल देने की तो बोले हमारे घर नहीं दिखा नहीं वीडियो में तो देख सकते हैं। और यू भी राना बम्बे छे पर माता जी छे जन घर पर वो भी आज घर में नहीं। और इना भट्टी ये हमारे चाची को घर, चाची देखने वाली वीडियो तो देख सकती। और बुना चाहो बोल तो हमारे घर है वीडियो नहीं बना, कई लोग बुना चाहते कि हमारे घर दिखे जाए, हमारे घर दिखे जाए। तो ये लाइक मैंने सोची ये बार सामू घर देखो किनारा बटी की। और ये देख सकते हैं एक हम यू नरेंद्र सिंह रावत नीतीश जीतीश उनको घर जो। और एक हम बड़ी चलना बिक्की भाई और घर मत थी जहाँ हम पिछले बार मैंने शादी भी है। देख सकते हैं गाँव को सुंदर सी नज़ारा, आज थोड़ा धुंध धुंध लगी चले, थोड़ा क्लियर भी नहीं आ। और पहुँच गया बिक्की भाई का घरम और देख सकते हैं उनकी शादी हुई है अभी दिसंबर में। और जो नहीं देखी उनको ब्लॉग उनकी शादी ब्लॉग भी देख लिया, इनकी दिक्कत नहीं हुई शादी पूरा ब्लॉग डलू मेरे किनारा बटी की लास्ट तलाक। और देख सकते हैं काफ़ी बड़ो घर सू भी लास्ट तो देख कमलेश भेजू घर भी कमलेश रावत उनको बीच नाराज नहीं हुई है पर और जॉइंट मतलब दगड़ रहने नहीं अलग अलग। और तो देख सकते हैं हम उनकी माता जी से ने तो चलना अभी घर और बाड़ा जी तो अभी डूट गया वाला तो एक लाइक में थोड़ा एक हम बड़ी दिखाऊँ आप लोगों को देख सकते हैं। और एक हम लगे देख सकते हैं नींबू और काफ़ी नींबू लगे हैं एक हम और अभी आया हमें लगे हैं बड़ा बड़ा यू भी किम्पू चबूतरा देख सकते हैं। जो ची बोड़ी जी छिन घर में और बोड़ी जी भी मेरी वीडियो दिखनी रहा थी दिल्ली गई छा बोड़ी मेरी वीडियो दिखनी रहा छा बोले। और उनका घर बटी मतलब जो छिन रिश्तेदारों से लेगी जो कि 1200 में से ना 1100 सब्सक्राइबर में से 300 सब्सक्राइबर तो उनका घर अकेला छ और काफ़ी सपोर्ट रहा हूँ मेरे अगड़ी यार देख सकता कुछ बसान चाली बोड़ी मतलब अच्छा आ दिल्ली में तो मेरी वीडियो छ नहीं रन जो दिखने रन जाए तब से गहरा तो गहरा भी बीमारी छ आज अच्छा बीमार खैर बीमार चनी मौसम चेंज होनु छ अरे ज्यादा हुई भाई मैं तो ज्यादा हुई छ अबरे दा। और दगड़ियों अब पहुंच गया हम नरी भाई का घर, हम नरेंद्र सिंह रावत और हमारा भैजी नरी भैजी क्योंकि हमारा खोलमा अनिन और यूं को घर से देख सकदा तू तो फिलहाल अभी वीडियो देखला बम्बे बटी की। और यूं घर भी काफी हाइट में छ एखम बटी भी गाँव को सुंदर सी नज़ारा दिखे जाऊँगे एकदम देख सकते हैं धुरपाली धार और यू मूल्या खोल पूरू और इना पांडा खोल भी दिखाऊँ थोड़ा थोड़ा। और एक हमदा भी बाड़ा जी छिन थोड़ा बाड़ा जी बसा रहा बाड़ा जी लगे छिन बाड़ा जी पहले तो मैं बसा के खाना चल के बनाना तुम युद्ध तमाखू कह तो साल बटी खाना तो मैं तमाखू तीन बसा जरा पहले अभी हिसाब तो है नहीं भाई 19-20 साल का था मैं। अच्छा 19-20 साल है उम्र बटी की अच्छा अच्छा छोड़ दिया मैंने फिर ये खाने खाना चालू किया। अच्छा मतलब 20-21 साल से कर लो अभी बिल्कुल 74-75 हो गए बिल्कुल सही बात है तो मतलब रास्ता वहाँ छोड़ कदा साल उम्र है तुम्हारे उन्हें तो 75 साल में तुम्हें बस सिर पर रास्ता खनी जाए देगी वहाँ से अलावा कुछ नहीं देगी अच्छा वो भी अभी लगी नहीं 5-6 साल अच्छा हाँ
मतलब पहले इन छो बस जो बन गया बन गया फड़ो लबी छ रल जना मर गया था बीच अभी यहाँ के जो पंच प्रधान बनते हैं ना हाँ। उनकी किसी पहले भर देनी चाहिए हाँ। राज बाद में देखेंगे पहले किसी भरेंगे वो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए खाओ लिमिट का लिमिट का हाँ नहीं तो बाहर निकलेगा वो हिसाब से बाहर नहीं सर लिमिट का खाओ ना हाँ। तो पच जाता वो बिन लिमिट का खाओगे तो कैसे पचेगा वो तो दगड़ियों अब पहुंच गया हम अपना बाड़ा जी का घरम जो और संदीप भाजी को घर मतलब और देख सकते हैं संदीप भाजी को घर छू और भाभी भी काफ़ी टाइम बटी बुनी छे कि हमारे घर है वीडियो भी दिखा दे लेकिन वो बारी टाइम लगे नहीं छो जब अरे बॉडी मतलब बॉडी और घरम है और तो आप थोड़ा दिमाग में आई तो आप मेरे सारा गाँव के दिखे अल खैर और देख सकते हैं अभी खैर दिल्ली गया छे एक हम सगड़ा सगड़े भी लगे छे लाइए लुइए सुखी गया अब बोड़ी अब लिया खड़ो घर है टाइम से देख सकान लाइए सुख गया तुम्हारो हाँ और देख सकान मामा जी भी छने कम पहुँचा मैं दगड़ी मामा जी की हर वीडियो में मतलब मामा जी तो पूरे गाँव घूमे ली तो दगड़ो अभी देख सकान जे हिसाब से आया छा आप महल खोलो और बिचला खोल में तो अभी एक आध घर हो रही हूँ और पांडा खोलो भी लोग आलो अलग से वो थोड़ा किंडर उन्हें अलग ही आलो वो क्या वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती फिर तो तब आदमी बोर हो जाए दिखे दिखे तो लाइक में थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा कह रही दिखाई अभी क्या बोल दें पांडा खोल और हरिजन बस्ती रही अभी तो हरिजन बस्ती भी अलग आलू और पांडा खोलो अलग आलू के लिए काफ़ी बड़ा बड़ा खोल छी नीचे छोटा मोटा खोल छे कई कई तो जितना हमारा खोल छे एक उतना गाँव छे कई जगह तो खैर पर हमारो देख सकते हैं आप लोगों ने वीडियो में अभी देखी होला और बनी रहे ब्लॉग में और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दिया तो चलना अभी अब यख मटी भी अगने तौल और अभी पहुँच गया बिदा था बोडी जी का घर हम उनको नाम बिदा था देवी जी और देख सकते हैं काफ़ी बड़ो घर भी चूँ दो मंजिल घर एकदम से मस्त और लेंटरदार कदा साल इन बोडी है घर बने अभी दस साल हाँ तो बोडी जी बता ली थोड़ा गाँव का बारे में जन मतलब कि अपना जमाना मटी क्या ये जमाना में आते मतलब के क्या देखी नहीं जन हाल चाल गाँव का के बदलाव देखी थी मतलब बदलाव देखो ना अब क्या सुना मर बदलाव तो बस लोग सुन ला जब वीडियो देखा रहे लोग तो अपना आप सुन देने सुन सकता मर बदलाव मैंने मतलब जन गांव का बदलाव बनू छ मैं अपनी खैर से खैर अपनी खैर आप मरा दी तो पर के बदला रहता अब गांव में तो कोई कह दगड़ा है कि बुनने चांदू बचाने चांदू अच्छा हां हैं बड़े लोग होएगी नहीं हां गरीबी था कोई देख नहीं सकत कि हम सब ऐसे करीब था लड़के बचाने चल पड़ो हां हैं हां बड़े बड़े लोगों को दगड़ू का नाच लोगों को दगड़ू का नाच जग बड़े बड़े बिल्डिंग दिखना छन क्या हाँ एक बिल्डिंग चाह बड़ा ब्योता क्यों कौन छो अच्छा बड़े बड़े नौकर दिखना ना जो गरीब छन उतर दिखना ही नहीं छन कोई गरीब उठन छो खाओ सही बात नहीं पर ना गरीब उतर नहीं दिखो कोई ना जो दिखो छो अमीर उतर दिखो छो है अब जो कर्मचारी भी छे तो वो भी अमीर ही था दिखना छे गरीब था कोई नहीं दिखणो कोई नहीं दिखणो सही बात दिखणो कोई गरीब था बिल्कुल ना तो हमारे जी मैंने बात अब कैल सुना यार कैल जाने कैल बिगड़े कैल कैल नहीं सुनी कैल नहीं जानी कैल नहीं सुनी कैल नहीं जानी जो दिन हमल कटे नहीं जो खैर हमल खैर नहीं हां देखा भाई बंधु ठीक है ये हमारी इतनी बारी जी इतनी बारी में हमल अपन जीवन यापन करी हाँ अच्छा पहले यूज हो ये किरान था तुम अब वो अब वो बनाई पहले हमारे हमारी मतलब समझो नहीं ये इतने हम लोग अपने जीवन यापन ये की करी अपने बच्चे भाई की पानी अच्छा दो बच्चे हैं दो बच्चों के साथ भी एक में कह रही हाँ तो पहले की चुनने हमारी ये झोपड़ी हाँ अरे हम देख सकते छोटा छोटा दर्जा छिन्न करीब 5 फीटा दर्जा और देख सकते 4 फीटा दर्जा छनु आई तुमने से चौक इतने से चौक हम सब कुछ कैरी होलु पहले अरे आपसे जिन लोग बनाने जगह होएकते हुए पे तभी बनान हम कोटे जगह नहीं हां तो देख सीधा हमारा अब अगर लोग होले हमारा खोल में तिबारी छन बचियां भी हमारा खोल में तिबारी छन हमारे जान बुझी की रखी छन जान बुझी अब अगर लोग यूं तिबारी था दिखने कोई तैयारी नहीं छन हां जो दिखन चाणा छन अभी होरी बिच नागने तिबारी उन तभी दिखोला यू बीच एक घर पुराना घर और पुराना जमाना घर हमारा खोलमा छन बचे हां जिंदगी हम बाकी केला थोड़ा हमारा खोलमा ज्यादा अमीर लोग नहीं छन इलाके जो की हमारे खोलमा घर पुराना जमाना बचा छन है ना बोड़ी सही बोलन में अरे हम एक होते बरी जी तो थोड़ा बोड़ी वेते बरी बारे में बताण चाणी जवल तो चलना अभी अगने और अब देख सदाए हम यूच गोपी भेजू घर और यू बिट्टी बरीदार सेम दैट हमारो घर का पता सब चीज
और अभी जो चुकी बोड़ी जी बथान चाणी ने बोल कुछ तो बोड़ी बसो जरा सब बथान चाणी से ने हमरा पहले का पुराना लोग इतका दिमागदार छाए इतका गड़े गड़ी चुकी कि आजकल का सुनार भी सोने पर इतका गड़े नहीं गाट सकदन हां हैं इतका गड़े नहीं गाट सकदन ये हमारा पुरानो की यादगार छ अरे अब का लोग ये यादगार दिखण को तैयार नहीं छन हैं ये हमारी पुरानी धरोहर अध्यक्ष ना क्या है सर रे वाला वो पुराना लोग हमारा पहले का जमाना का अनपढ़ लोग हां वो गीत का डिजाइन गणी जी लकड़ी में हां आजकल तो कोई गाड़ी नहीं सकदो आजकल तो कोई गाड़ी नहीं सकदो आजकल से जो लेंटर दार मकान लावर रेत लावर सरिया काटा दादा लेंटर बस थोड़ा यू ब्यार क्या होना बने जान छ ब्यार बस जरा भीतर ये ब्यार छ ना हमारा यो ब्यार हम बात रख चाहिए जो चिमनु तो सामान रख चाहिए चिमनु रखनु बने छ बड़ी तो मतलब चिमना रखनु रख चाहिए चाबी ताल लगा चाहिए तो चाबी रखनु कोने चाहिए अच्छा और कंगला रखनु कोने चाहिए बाल बना छ कंगला रख चाहिए देख सदा यो आने बड़ी जान ब्यारो ब्यारा हां पुरान चीज और एक जंदुरू पर तार लगे दिखे आप लोगों ने जो अब का जमाना का त्यों डिजाइन दिखणो कोई तैयार ही नहीं छ कने कने अब लो लेंटरदार मान हमारा कोलम बचा जन तिवरी चौक बचा जन एक अभी खारन जग बचा जन नन तो हमारा खोलमा ही छ बस बाकी और मैं पूरा गांव घूम आई गयो अब लेंटर आ गया निमदर भी गई तिवरी डंडे भी गई तब निमदर भी गई अब लेंटरदार मकान होई गनी हां हमारा खुलम छन बच्चा बाकी इतनी इनखा की पूरा गांव घूम गया मछली इतनी बड़ी डंडे दी हां जो इतनी बड़ी डंडे दो के गीती लगियो छ अभी बहुत बहुत धन्यवाद बोड़ी जी को देख सदा बोड़ी जी छने उन तिवरिया बारे में बताई और अभी और भी तिवर एक और जो मेन वाली चीज अभी देखो ला अंदर मिला भी अगला ब्लॉग में आप लोगों जल्दी से जल्दी जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड और जय तिवरी डंडे देख सदा यू बनी जय हम तितली देख सदा आप लोग मस्त बनो छ बिना मशीनों को हाथन बनो छ भले ते मिला अगला ब्लॉग में सब डिजाइन हाथन बने छन बिना मशीना का ते मिला अगला ब्लॉग में अगले ब्लॉग भी मजा आने वाले तिबरिया खोल बटी की यार पूरा पांडा खोल दिखाने वाले छो मैं।